हेलो एवरीवन इस वीडियो में अगेन कुछ अलस्ट्रेशन में लेने वाला हूँ रिलेटेड टू गॉस थ्योरम अभी तक हमने देखा कि हम एक पॉइंट चार्ज लेते थे और पॉइंट चार्ज की वजह से देखते थे फ्लक्स थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया बट अगर अब आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो उसकी वजह से आप फ्लक्स कैसे इवालवेट करोगे तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट अब होने वाला है तो एक तो इस वीडियो में हम कुछ अलस्ट्रेशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्ट्रीब्यूशन uh, uh, देखेंगे डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एप्लीकेशन टू गॉस थ्योरम देखेंगे जहां पर ये सारे पॉइंट्स फिर हमारे कवर हो जाएंगे तो पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं सिंपल इलस्ट्रेशन है आपके पास एक स्फेयर है और इस स्फेयर का रेडियस आर है अगर स्फेयर का रेडियस आर है मैं बोल सकता हूँ डायमीटर आपका ट्वाइस आर होगा तो स्टेप नंबर वन मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पे कि आपके पास जो डाया मीटर पर होगा वो आपका ट्वाइस होगा पॉइंट नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप देखोगे कि आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मगर यहां पर आप देख रहे हो कि सिर्फ यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट जो है वो आपके स्पेयर में क्या हो रहा है वो एनक्लोज हो रहा है दैट मीनस आपके पूरे वायर में से ऐसा कौन सा लेंथ है जो आपके स्पेयर में एनक्लोज हो रहा है आप बोल सकते हो ना टू आर वाला पार्ट आपका यहां पे एनक्लोज हो रहा है अब आपको पहले ही पता होता है कि जो आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है पॉइंट नंबर इट इज इक्वल टू चार्ज यूनिट लेंथ अब कितना चार्ज आपके गोशन सरफेस में एनक्लोज होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू द फ्लक्स एंड टू यूज द गॉस थ्योरम तो यहां पर अगर आप देखोगे इतना चार्ज आपका यहां पर एनक्लोज हो रहा है अच्छा ये चार्ज किस लेंथ पर है ये चार्ज टू आइस आर लेंथ पर है दैट मीनस चार्ज तो मुझे निकालना है यह चार्ज एनक्लोज होने वाला है और आपको पता है कि ये जो चार्ज एनक्लोज है ये किस लेंथ पर यहां पर आ रहा है ट्वाइस आर लेंथ पे तो लेंथ की जगह पे मैं ट्वाइस आर लगाने वाला हूं कहने का मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ना कि जो आपके पास यहां पे क्यू एनक्लोज आएगा मैं इसको लिख सकता हूं ना लेमडा टाइम्स टू आर या टू इंटू आर इंटू लेमडा अब आपको पता है कि कितना चार्ज आपका इस फेयर में क्या हो गया एनक्लोज तो यूजिंग गॉस थ्योरम आप क्या निकाल सकते हो कितना फ्लक्स यहां पर इस फेयर के थ्रू बाहर निकलेगा तो गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर हम बात करें आपको पता है कि फ्लक्स थ्रू स्फेयर जो आपके पास होने वाला है फ्लक्स थ्रू एनक्लोज सरफेस जो आपके पास होता है इट इज सिंपली इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सलॉन नॉट अब यहाँ पर आप देख लो इन क्वेश्चन में आपको यही निकालना होता है आपको क्यू एनक्लोज निकालना होता है तो आपके पास क्यू एनक्लोज का वैल्यू यहाँ पर टू इंटू आर इंटू लेमडा है डिवाइड यहां पर आप एप्सलॉन नॉट से करो ये आपका आंसर आएगा यही फ्लक्स आपके सिंपली इस से बाहर आ रहा है तो अगेन आपको यहां पर करना क्या है आपको क्यू एंड क्लोज का वैल्यू निकालना है एक बार आपका क्यू एंड क्लोज का वैल्यू निकल गया गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दो अब अगेन यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास जब आप एक क्यूब लेते हो क्यूब में आपके पास दो होते हैं पहला आपके पास फेस डायगनल होता है और अगर आपके क्यूब का पहला यहां पर मैं ये पॉइंट लिखता हूं अगर आपके क्यूब का साइड ए है दैट मीन साइड का मेजरमेंट आपके पास यहां पर वो ए के बराबर है आपका जो फेस डायगेल होता है जो ये ब्लू कलर का डायगेनल आपको दिखता है ये जो फेस डायगेल का वैल्यू होता है इट इज रूट टू टाइम ए जोमेट्री है मैं यहां पे सॉल्व नहीं करूंगा आ, ये वाला पार्ट जब हम इलेवंथ में आ, ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे और वहां पर जोमेट्री वगैरह पढ़ेंगे तो मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा कि ये वैल्यू आया कहां से बट फिलहाल के लिए याद रखो कि एक क्यूब में आपके पास दो इंपॉर्टेंट डायग्नल होते हैं फेस डायगनल एंड बॉडी डायगनल और फेस डायगनल जो है फेस डायग्नल का जो मेजरमेंट है आप साइड के मेजरमेंट के साथ रूट टू टाइम्स ए की तरफ से रिलेट कर सकते हो स्टेप नंबर टू आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्नल होता है बॉडी डायगनल और बॉडी डायगोनल की अगर मैं बात करूं बॉडी डायगोनल का मेजरमेंट आपके पास होता है रूट थ्री ए यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अब जरा यहां पर देख लो अब सिंपल सा पार्ट है आपके पास यहां पर बॉडी डायगोनल पे चार्ज है मैं बोल सकता हूं कि बॉडी डायगोनल पे आपके पास यहां पर चार्ज है अब बॉडी डायगेनल का जो लेंथ आपको देकर दैट इज रूट थ्री ए तो आप निकाल सकते हो ना कि बॉडी डायगनल का लेंथ आपको पता आप निकाल सकते हो ना कितना चार्ज एग्जैक्टली इस क्यूब में एनक्लोज हो रहा है सिर्फ पता क्या आपको होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लेमडा अब आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास सिंपली किसके बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ अच्छा आपको कौन सा चार्ज यहाँ पे चाहिए आपको तो क्यू एनक्लोज चार्ज चाहिए ये चार्ज एनक्लोज होगा आपके क्यूब में और अगेन बॉडी डायगनल ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब जाके सिमिट्री यहां पे आ जाती है तो क्वेश्चन यूजुअली आप देखोगे बॉडी डायगनल के ही अलोंग चार्ज को रखा होगा उन्होंने फेस डायगनल के अलोंग चार्ज को नहीं रखा होगा तो अब फर्दर देख लो यहां पर आपके पास इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अब यहां पर जो चार्ज एनक्लोज है वो यहां से लेकर यहां तक है किस लेंथ पर है ये बॉडी डायगनल की लेंथ पर है आप देख सकते हो आपका चार्ज स्प्रेडेड तो आप यहां पर लेंथ कितना लिखोगे रूट थ्री ए दैट मीन्स आपका जो क्यू एनक्लोज आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू रूट थ्री ए इन टू लेमडा अब आप अगेन फ्लक्स निकाल सकते हो यूजिंग गॉस थ्योरम तो जो आपके पास यहाँ पे फोर्थ स्टेप में लिख रहा हूँ आपका जो फ्लक्स यहाँ पे आएगा पूरे क्यूब से बाहर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सलॉन नॉट क्यू एनक्लोज का वैल्यू आपके पास रूट थ्री ए लेमडा आ गया डिवाइडेड बाय आप एप्सलॉन नॉट कर दो ये आपका आंसर आ गया इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस में आते हैं वहाँ पूछे जाते हैं आप ऐसे हर एक पैटर्न पर आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं तब जाके आपका प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग होगा आज की वीडियो में इतना काफ़ी नेक्स्ट वीडियो से हम एप्लीकेशन वाला पार्ट उठाएंगे बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर